भाई बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हाई ब्लड प्रेशर के कारण इनके हार्ट का साइज बड़ा हो गया था और नस ब्लॉक हो गई थी। परमेश्वर के दास बिशप विजय मैनर्ज जी से प्रार्थना करवाने के बाद ये भाई बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। आइए सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। 2 महीने से बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी और हाई ब्लड प्रेशर रहने से क्या हो गया, दिल का आकार बढ़ गया, दिल बढ़ गया, उसका आकार बढ़ गया और डॉक्टर ने बोला उसकी वजह से जो वाल्व होते हैं वो भी फैल गए, क्योंकि प्रेशर जब पड़ता है वाल्व खराब तक हो जाते हैं, ब्लॉक हो गए थे और ब्लॉकेज हो गया। ये बहन चिंता करने लगी, इसने बोला भैया आपको घर आना ही पड़ेगा, दुआ करो। इनके घर जाके दुआ किया, फिर इनको पकड़ के एक दिन मेरे घर पे लेके आई, फिर दुआ किया और उस दिन मुझे विश्वास हो गया था कि ये भाई चंगा हो चुका। आमीन। अभी मैं राजस्थान में था, इन्होंने फोन किया कि डॉक्टर लोगों ने बोला ब्लॉकेज है और कितनी बड़ी ब्लॉकेज है, एंजियोग्राफी जाके कराओगे तब पता चलेगा, अगर ज्यादा बड़ी है तो ऑपरेशन होगा, अगर थोड़ी ब्लॉकेज है तो फिर दवाई देके उस ब्लॉकेज को निकालेंगे। एंजियोग्राफी कराने के लिए जा रहे थे, मुझे फोन किया, मैंने फोन पे दुआ करके बोला बेधड़क होके जाओ, कुछ ब्लॉकेज नहीं मिलेगी, ऐसा बोला था। हाँ जी, ऐसे ही बोला जी, बेधड़क होके जाओ, कोई ब्लॉकेज नहीं मिलेगी। और उसके बाद क्या हो गया, सीधा इनका मैसेज व्हाट्सएप पे मुझे आया कि भैया बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। और जो बड़ा हुआ आकार पहले बताते थे डॉक्टर कि दिल बढ़ गया, नॉर्मल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, नॉर्मल हो गया, वॉल सब अपने जगह फिट हो गया। आमीन। मेरे को 2 महीने पहले बीपी की प्रॉब्लम हुई थी, बीपी का अटैक हुआ था, तो मेरा बीपी 230-235 के आसपास हो गया था। तो मैंने जीरकपुर में अपना चेकअप वगैरह कराया, इको, ईसीजी और एक दो रिपोर्ट और कराई, तो रिपोर्ट में मेरा ये आया कि मेरा जो हार्ट का साइज़ है वो बड़ा हुआ है और एक जो ब्लॉक नस है वो ब्लॉक हो रखी है। फिर मैं उसके बाद पीजीआई से अपना ट्रीटमेंट लिया, पहले पास्टर जी से मैंने पूछा कि ऐसे करके एंजियोग्राफी के लिए बोला है, तो पास्टर जी कहते कोई बात नहीं आप एंजियोग्राफी वगैरह करवाओ। तो पीजीआई में मेरे 3-4 टेस्ट दोबारा हुए, ईसीजी हुआ, इको हुआ, टीएमटी हुआ, फिर उन्होंने टीएमटी में सेम रिपोर्ट आई कि हार्ट का साइज़ बड़ा हुआ है और एक ब्लॉकेज है नस में। फिर डॉक्टर कहते कोई बात नहीं अपने एंजियोग्राफी करेंगे, एंजियोग्राफी में पता लगेगा, अगर ब्लॉकेज वगैरह हुई तो उसी टाइम आपको स्टेंट वगैरह डाल दिया जाएगा, नहीं तो कोई मेडिसिन वगैरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। फिर मैंने पास्टर जी को जैसे ही मेरे को एंजियोग्राफी का बताया तो मैंने सबसे पहले पास्टर जी को फ़ोन किया, तो फिर पास्टर जी ने मेरे को दोबारा मैसेज किया कोई बात नहीं आप एंजियोग्राफी करवा लो। फिर हम अगले दिन एंजियोग्राफी करवाने गए, एंजियोग्राफी करवाई 4 बजे के आसपास किया, फिर मेरे 8-8:30 बजे जाके एंजियोग्राफी हुई। मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, हार्ट का साइज़ वगैरह बिल्कुल सही है, कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है।